कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ। इकरा ने बनाया घर पे ही फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने उसको इस तरीके से लगा दिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स लगा के, लेकिन अच्छा तो लग रहा। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा, दूर से दिखा रहे हैं हम लोग को। ये देखिए ऐसे, अभी थोड़ी सी और डेकोरेशन बाकी है, बाकी आपको दिखाएंगे सहरी के टाइम फ्रेंड्स। अभी तक लेटने नहीं गए, ये लगाने लगे थे ना, चलो देखते लगा के। रमदान करीम फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का डेकोरेशन हुआ, बस यही हो गया, यही लगेगा और कुछ ज़्यादा। चांद सितारे सब भी बने फ्रेंड्स। ये देखिए हम सो गए थे फ्रेंड्स, पता आपको कई बजे उठे, 4 बजे। 4 बजे फ्रेंड्स मेरी आँख खुली और जल्दी से फिर हमने वितर की नमाज अदा करी, तहज्जुद पढ़ी फ्रेंड्स, फिर जल्दी से सबके लिए चाय बनाई। कुछ जो रात की बिरयानी बची थी वही सब, वही सबने थोड़ी थोड़ी खाई और पराठे बने थे फ्रेंड्स। पहली सहरी ऐसी हुई कि पता ही नहीं चली कब टाइम बीत गया, कब क्या हुआ। सहरी का वक्त फ्रेंड्स जैसे भागता है बहुत तेज़ वाला, तो और मेरा नज़ला जुकाम बहुत तेज़ हो गया बस। जैसे उठे वजू किया, वो हवा लग गई, बस जुकाम हो गया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी हो गई है, तो बस यही से मेरा व्लॉग होता है स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा आप सब हमको, मम्मी आपको दुआ में याद रखेंगे। तो बस यही से मेरा व्लॉग होता है स्टार्ट, जो भी होगा आप लोग को बताते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल अजान का इंतज़ार कर रहे हैं, अजान हो जाए तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ेंगे, फिर सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सब कुछ पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो बस आप लोग के साथ सारे रमज़ान हम बिताएंगे एक एक करके। तो बस फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बस कल वाला व्लॉग हम अपलोड कर रहे थे, फिर रात भर करते रहे, लेकिन वो वाईफाई मेरा वो ख़त्म हो गया, उसकी वजह से अपलोड हो ही नहीं पाया। तब देखिए कल देखते हैं किसी तरीके से, सुबह देखते कैसे करेंगे उसको। और हमने 2 बार रिचार्ज भी किया एमबी वाला, ये तब भी अब व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या होगा, अब सुबह देखते हैं जो भी होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह जोहर के वक्त। सहरी का वक्त ख़त्म होने 5 मिनट बाकी, ये बता रहे हैं। अच्छा तो लग रही है सितारे, चांद अच्छा लग रहा। तो वाइस फाइनली वॉलपेपर आ गया, ये देखिए अभी आया सुबह, सुबह कॉल आई थी भैया की, फिर आपका पार्सल आया तो फाइनली आ गया। चलो अच्छा हुआ फ्रेंड, डेकोरेशन भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, वरना बुरा लग रहा था, सब फट गया था आगे का पूरा, ऊपर का बिल्कुल सही है, नीचे का पूरा फट गया था। तो वही इकरा लगा रही है, देखिए एक रोल में हो पाता है कि नहीं, हो जाएगा वैसे तो, मतलब थोड़ा थोड़ा फटा है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा, ये सब बच्चों ने फाड़ा है फ्रेंड्स, वरना बिल्कुल सही था। तो ये इकरा ने बनाया रमदान करीम। तुम तो रोज़ा रखे थे और क्या, अभी तो चाय पी लो, चाय पापे तो कहाँ रोज़ा हुआ तुम्हारा? मेरा रोज़ा है, अच्छा बच्चों का रोज़ा टूटा ही नहीं है। कहाँ रखा तुमने? तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली जोहर की, बस सब काम करा रहे रूम में, ये सब दीवार है, फिर उसके बाद जाएंगे किचन में, देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं। वैसे तो मम्मी कह रही है पहला दिन है तो सब भी कुछ बना लो, तो देखते हैं क्या क्या बनेगा, जो भी होगा आप लोग को बताते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, काम निपटाते पहले यहाँ का। सो गाइस कहो मैचिंग का मिल गया, अगर मैचिंग का ना मिलता तो क्या करते। देखिए बिल्कुल एकदम मैचिंग का लग रहा, मैचिंग का वो मिल गया फ्रेंड्स, वरना मिलता ना थोड़ा लगा रही, जब लग जाएगा पूरा तो आप लोग को दिखाएंगे। सो गाइस ऑल सेट, सब हो गया रेडी, तो आप लोग को दिखाते हैं कि ये लो।
सो गाइस असर की नमाज हो गई, अब जा रहे हैं अफ्तारी के लिए किचन में, अफ्तारी बनाते हैं क्योंकि 5 बज गया, 1 घंटा बच बचा, 1 घंटा बाद हो गया, 6:13 पे हो गया अजान फ्रेंड्स। और देखिए आप लोग का पहला रोज़ा कैसा गया फ्रेंड्स, पता तो नहीं चला बिल्कुल भी, बस हाँ थोड़ी सी प्यास लगी बस। खैर चलिए चलते बनाते हैं अफ्तारी किचन में, यहाँ सब सेटअप हो गया, सब लग गया फ्रेंड्स, कालीन वालीन भी बिछा दी सब, यहीं अफ्तार करेंगे रोज़, ये वाले कमरे में अफ्तार करेंगे फ्रेंड्स रोज़। चलिए चलते हैं किचन में। इस चने और फ्रूट कट गए हैं फिलहाल अभी, बाकी अफ्तारी में आज बनाई पकौड़ी, फ्रूट्स, पापड़, खजूर, चने। फ्रेंड्स चने आलू तो मेरे वहाँ ज़रूर ही बनते हैं फ्रेंड्स, बाकी पकौड़े बनने अभी, आलू के पकौड़े बनने, वो सब मैंने तल लिए, अभी आएंगे दस्तरखान पे वो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स देखिए कितनी बरकत होती है रमज़ान में, हर चीज़ खाने को मिलती है, पूरा दस्तरखान भर गया माशाल्लाह। जैसे हम लोग को दे रहा है ऐसी सबको दे। हाँ पलेटें तो लाओ लगाए। तो भाई चलिए मस्जिद के लिए अफ्तारी लगा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अफ्तार के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन गया, जैसे अल्लाह ताला ने हम लोग को सबको दिया वैसे सबको दे। अब दुआ मांगने का टाइम है फ्रेंड्स, दुआ मांगेंगे बस दिन भर की मेहनत का। लाइटिंग लग गया, सोता रहे अच्छा लग रहा। सो गाइस इफ्तार कर लिया, पीने जा रहे चाय, चाय जरूरी चाय, पापड़ पापड़ ये चाय, इफ्तार के बाद तो चाय बहुत जरूरी। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रोजा खोल लिया, पहला रोजा कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला फ्रेंड्स पहला रोजा, मतलब बिल्कुल हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला आप लोग को कैसा गया रोजा पहला, मजा आ गया, इतनी सारी इफ्तारी खाई सब कुछ करा, थके नहीं फ्रेंड्स, बनाना तो पड़ेगा इफ्तार, रमजान है तो जाहिर सी बात है, मजा आया पहला रोजा कम्प्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, अब कल दूसरा लग जाएगा रोजे फ्रेंड्स, पता नहीं चलेंगे देखिए कितनी जल्दी जल्दी रोजे हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना शाम को। अब खाना क्या फ्रेंड्स, इतनी सारी इफ्तारी खा ली, खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, अब सहरी में इंशाल्लाह खाएंगे खाना, खाली बना के रख देंगे 10-11 बजे तक, लेकिन खाएंगे सहरी में क्योंकि यहाँ सहरी में कुछ भी नहीं है, तो खाना खाएंगे सहरी में। बहन कह रही थी ना तो खाना बना रहे, खाना सहरी में खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर आराम करते हैं, ब्लॉग भी एडिट करना, कल वाला ब्लॉग एडिट कर लेते हैं उसको, फिर कल वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स कल वो ब्लॉग तो जल्दी जल्दी आते लेकिन कल मेरा ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाया, तो इसके वजह से आज डाला हमने, कल से मतलब पड़ा था वो, कल से पेंडिंग हो रहा था वो, आज अपलोड हुआ है। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर आराम कर ले फिर, रोज़ा खोल के तो एकदम सुस्ती हो जाती है, बस दिल चाहता बस लेटे रहो, कोई काम नहीं होता उसके बाद। सुबह नमाज पढ़ने में आना पड़ा, नमाज क्या तरावी पढ़े थे, इसलिए नमाज तो मुकम्मल हो गई, तरावी पढ़े तो 10 रकात पढ़ी, 10 रकात अभी रह गई है, जरूरत भी हो रही लेकिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ने तो पूरी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अम्मी ने आज बहुत सारी तेल की चीज़ें खाई है ना फिर, उसके वजह से लग रहा मेरे दर्द हो रही है, हमें लग रहा कल से छोड़ना पड़ेगी, आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा फ्रेंड्स, अभी सो के उठे, जैसे सो के उठे अभी खाना चढ़ाने आ गए किचन में, फिर नमाज पढ़ी, अब तरावी पढ़ लें, तो चलिए पढ़ते हैं तरावी। तो ये रहा पहला दिन रमज़ान का, बस अच्छा गया, बस ज़्यादा अच्छा नहीं गया, अभी तो 10-12 दिन घर ही में रहेंगे, घर ही में रमज़ान सारे बीतेंगे, 10-12 दिन बाद ही मार्केट जाएंगे, देखिए हम खाने में बना रहे चुकंदर गोश्त, तो सहरी के टाइम खाएंगे, अभी पेट एकदम फुल है पूरी तरीके से। चलिए तरावी पढ़ते, जो रह गई 10 रकात रह गई फिर 10 रकात पढ़ ली, तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी से, वो भी फिर लेटते हैं, फिर बहुत तेज दर्द हो रही है मेरे पेट में, अब हम सोच रहे हैं हमें दवा ना खाना पड़े, चलो देखते हैं जो भी होता है बताते रहेंगे। किससे कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तुमने पढ़ ली जो तुम उसको कह रहे हो, मैं पढ़ूंगा, तुमने पढ़ ली जो तुम मुझे कह रही हो, क्यों फेंको, कीचड़ कर दो सब जगह, हाँ सब जगह कीचड़ कर दो तुम,
अम्मा कहाँ है? अम्मा नीचे नमक पड़ रही है। नीचे पड़ रही? अच्छा काहे चढ़ लो यहाँ, काहे चढ़ लो, काहे चढ़ लो, गिर जाओगे। मैं नहीं गिरूंगा, मैं हूँ बादशाह। उठाएंगे मैंने ये देखो, ये यहाँ क्यों पड़ा, सारे तुमने उठा के रखा है? नहीं मम्मा ने। ये देखिए सब कितना बचा, जितने कम सोचो कम बनाओ लेकिन बरकत हो ही जाती इफ्तारी में। तो खैर चलिए चलते हैं नमाज पढ़ते। पहले भाई मैं रमजान भी खेल लूं। लाइट बंद कर दी, किसने बंद करी है लाइट? मैंने, अगर बिजली का बंद कर दिया। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है। हम तो रावी पढ़ने जा रहे, कुछ करना ना, गिरा गिराने कालीन पे सब, तुम फैलावा कर दो। देखिए ये देखो इसको समझो, क्या गिर गया था पंखे से? कुछ करना ना, ये तो उल्टा सीधा सब कर दिया, लगा दिया हमने। नहीं पंखे भी गिर गया था, पंखा हमने सुना था उड़ने लगा फिर उन्हें बंद। कुछ करना ना, इतना मारी बहुत, हमसे मतलब नहीं। चलिए फिर अपनी तरावी मुकम्मल करते हैं। चलो चलो जाओ तरावी पढ़ने जा रहे, 10 बज रहा, चलो हट मारेगी अभी। सो गाइस अभी हम जस्ट अभी सो के उठे हैं, जैसे ही हमने तरावी पढ़ी वैसे मेरे बहुत ज्यादा दर्द होने लगी भाई, पथरी का पेन था फ्रेंड्स, बहुत दर्द हुई बहुत ज़्यादा वाली। तो बस अभी जस्ट हम फ्री मतलब सो के उठे हैं, अब थोड़ी दर्द कम है फ्रेंड्स, और वॉमिटिंग भी हुई थी दो तीन, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको मेरी हालत देख के ही लग रहा हो। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे यार, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल, कल वाले ब्लॉग में देखते हैं कल से हम क्या खाएंगे। मम्मी ने बहुत गुस्साया है, अब कुछ खाओगी नहीं तुम, तो देखते हैं हम जो भी होगा आप लोग बता रहे हैं। आप लोग दुआ करिएगा कि मेरा दर्द ना हो, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा होती है। मिलते हैं आपसे कल, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।